अभी ना आपसे जानना चाहेंगे इन दोनों में से खट्टा कौन है और मीठा कौन है? दोनों में पवन है और दोनों में मीठा पवन। ना मैं ग्रिल करता हूँ और ना ही मैं ज्यादा चीजें डालता हूँ। आई बिलीव सर आपने बताया था हैविंग अ हेल्दी डाइट एंड माय सैंडविच इज रेडी गाइस। और अब हम करने वाले हैं कुकिंग कॉम्पिटिशन। आपको पता है हमारा शो आ रहा है मीठा खट्टा प्यार हमारा, जहाँ पे खाने से रिलेटेड बहुत सारी बातें होने वाली, तो खाने का कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए राइट? ऑब्वियसली तो अभी हम तीनों यहाँ पे सैंडविच बनाएंगे एंड लेट्स सी कौन बनाएगा। तो विनर होगा वो आपको बताएगा शो के बारे में बहुत सारी चीजें। हालांकि विनर मैं ही बनूंगा, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। ओके ठीक है, बाद में तीर मारो। लेट्स गो। सीनियर सीनियर कौन है? देखो जो जैसा खाता है वैसा खाएगा ना। जब मैं नीचे बैठ सारी चीजें मैं डालू राइट, मैं आलू कैसे निकाल गाइस विनर जीत रहे हैं। चीटिंग नहीं करो। ऑलमोस्ट डन गाइस। अच्छा होना भी चाहिए क्या करना ठीक है? देखो मैं हेल्दी सैंडविचेस खाता हूँ, ना मैं ग्रिल करता हूँ और ना ही मैं ज्यादा चीजें डालता हूँ। आई बिलीव सर आपने बताया था हैविंग अ हेल्दी डाइट एंड माय सैंडविच इज रेडी गाइस। सर आपके अंदर बटर नहीं है? हां बिना बटर के भाई बटर क्यों खाना है? बटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये शॉर्टकट है फिर तो शॉर्टकट ही है गाइस। कितने बनाना कितना तीन बना आज ये तो नया रूल बनाती हूं नहीं सर गाइस मेरे सब बन गए। चलो मेरे पास टाइम बहुत है तो मैं क्या बोलते हैं थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच। अब उसमें ये देखो कि चीजें नहीं है, आप अपने आप क्यों डिसाइड करो क्या चीज जो जैसा खाता है अरे वैसे ही बनाएगा। ये होती है स्मार्टी, उन्हें मना कर दे कि मैं खुद का खाना ही खाता हूं। देखो सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं देखो मटेरियल होना जरूरी है। देखो दोनों बच्चे नए हैं, अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा करेंगे। कम ऑन गाइस तीनों ही विनर हैं। नाइस डिप्लोमेटिक आंसर ऐसे ही होगा शो। वेल शो के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग आप लोग को ये बता देंगे। इंडियन टेलीविजन पे बहुत ही प्यारा रॉम कॉम है जो आई गेस अभी तक नहीं चल रहा है किसी भी चैनल या किसी भी स्लॉट पे। तो इट्स अ लवली रॉम कॉम एंड आई एम श्योर यू गाइस आर गोना लव इट। काफी सारी नोटों के साथ, काफी सारा खट्टा मीठा प्यार के साथ, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि तीनों कैरेक्टर बहुत प्यारे हैं। अभी ना आपसे जानना चाहेंगे इन दोनों में से खट्टा कौन है और मीठा कौन है? दोनों में पवन है और दोनों में मीठा पवन है।
आज बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड वेरी सपोर्टिव वेरी हार्ड वर्किंग एंड अच्छा लगेगा आपको जब देखोगे तो एक स्माइल आएगी तो मतलब देखा शो का काफी अच्छा है, कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए और इनको इंग्लिश नहीं आती, कितना चैलेंजिंग हुआ इनके साथ वो सीन शूट करना बाकी था तो मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग मैं बहुत फ्लुएंट हूँ इंग्लिश में, मैंने शेक्सपियर तक पढ़ी थी, मेरे नानू इज अ वेरी वेरी बिग प्रोफेसर एंड एवरीथिंग, तो मेरे लिए प्रेजेंटेशन खराब करना था ज़्यादातर कि हिंदी मेरी घर पे सब हिंदी में बात करते हैं, मेरी मॉम ने पी एच डी की तो हिंदी मेरे लिए बहुत ईजी है बट इंग्लिश बिगाड़ना मिलने का तो बकायदा मैं सीन से पहले आधा घंटा लेती थी कौन से शब्द कैसे किस तरह से बिगाड़े जा सकते हैं और फिर उस मोमेंट में जब मेरे सामने जाती थी तो कंटिन्यू रखना क्योंकि जब वैसे वर्ड्स बिगाड़ो तो तुम्हारा एक्टर भी उस टाइम पर आई थिंक उस मोमेंट वो बहुत काम डाउन है, काफ़ी ईजी वे में वो फ्लो हो जाता था कि आई कुड परफॉर्म इतना ईजी, बाकी तो सजीरी और और बहुत सारे लेयर्स आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे बट स्टार्टिंग में जो लेयर है इट्स वेरी पॉजिटिव वेरी डिसेंट और परफेक्शनिस्ट का एक एसेंस दिया गया इस कैरेक्टर में, लाइक एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी परफेक्ट परफेक्ट, तो ऐसे कपड़े भी क्लीन होंगे कुछ चीज़ें यहाँ से टेबल पर रखने के लिए, सो वो सब चीज़ें ऐड ऑन की हुई प्लस जो मैं बोल सकता हूँ एज एन एक्टर की लास्ट शो का जो इमेज ब्रेक करना था उसके लिए बेस्ट कैरेक्टर था, तो वो डार्क को जो ब्रेक हुआ है इस शो में वो मेरे लिए गिफ्ट है एंड आई एम श्योर वो ऑडियंस देखेगी तो उसके लिए भी अलग ही एंटरटेनमेंट है, सबसे पहले वो अपने लिए अपनी मम्मा से तक लड़ रहे हैं, उसकी फैमिली में ज्यादा तो कोई है नहीं उसकी मम्मा, बट फॉर सजीरी 6:30 का टाइम को लेकर पूछ रहे हैं 6:30 का टाइम है टाइम पर भी चालू है तो कैसे चला मना मन में पूछ रहे हैं कुछ तो बनाने जो भी अगर हम बातें आपकी इच्छा में मेरी आप एंट्री भी कर रहे हैं अरे ये दिनों कुछ क्या चल रहा है मतलब अगर आप बता सके मतलब शो के अंदर है तो बताइए कि चलो पूछो आपका शो में कोई एंक्रिंग का पार्ट टास्क पूछ के आप कुछ कर Well, that was a part of a campaign on Insta, social media. तो उसके लिए anchoring का था. But yes, किसी भी show को, किसी भी award function को host करना है, then you can contact me directly. Date all out.